आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज़, पल पल की खबर। कवर्धा के वनांचल ग्राम पोलमी में राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया मोहन मरकाम शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वनांचल क्षेत्र में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जमीन में बैठकर फोटो खिंचवाया, साथ ही 150 से अधिक बैगा आदिवासी परिवार को सूखा राशन का वितरण भी किए। मीडिया से बात करते हुए मोहन मरकाम ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सियासी हलचल पर कुछ भी कहने से बचते रहे। 20 अगस्त को आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी का जयंती था, उस दिन कार्यक्रम आयोजित होना था, मगर समय अभाव के कारण अपन नहीं आ पाए, तो पहले इस कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। आज इस बीच में आके हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से, इसी तरह के जनता से मिलने का सौभाग्य मिला और इनकी जो बातें हैं उन समस्याओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और सरकार स्तर पर उसका निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी दिल्ली जाने का कार्यक्रम, देखिए मैं संगठन का मुखिया हूँ और संगठन की जो मुखिया की जो भूमिका होती है पालक की होती है, पालक सभी के लिए समान होता है। दिल्ली से अगर बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा, अभी मुझे किसी ने बुलावा नहीं आया, ना हाईकमान से मुझे बुलावा नहीं आया, अगर बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा, मगर मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, एक सप्ताह पहले से कार्यक्रम तय हो गया, तो इसलिए यहाँ आना जरूरी था। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि 50 विधायक और तमाम मंत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है? देखिए आदरणीय PL पुनिया साहब ने भी ट्वीट करके कहा है, हाई कमांड ने किसी विधायक को नहीं बुलाया है और हमारे सम्मानी विधायक हाई कमांड से मिलना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, मगर हाई कमांड से किसी को नहीं बुलाया गया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी से हम लोग लगभग 1.5-2 साल से मिले नहीं हैं, तो हर विधायकों की, कार्यकर्ताओं की इच्छा होता है कि हाई कमान से मिले, तो उनकी इच्छा है, हो सके उन लोगों ने समय लिया होगा तो उन्होंने गए होंगे। जो 2.5-2.5 साल की जो फार्मूला है वो कहाँ तक सही लगता है? देखिए हमें लगता है 2.5-2.5 साल का फार्मूला, मीडिया की उपज हमें लगता है, तो मीडिया में ये बातें आई उसी के माध्यम से हमको पता चला है। अभी कल आदरणीय TS सिंहदेव साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हाई कमान किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना हाई कमान के ऊपर निर्भर करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री को 2018 में हाई कमान ने बना दिया है, बाकी आगे की क्या करना है वो हाई कमान तय करता है। आपकी अपील के बाद में भी लगातार 50 से अधिक विधायक दिल्ली कुछ कर चुके हैं। देखिए मेरा अपील 10 बजे रात को हुआ है, जो हाई कमान के निर्देश के बाद, उससे पहले हमारे विधायक जा चुके थे और पहले से कुछ विधायकों के टिकट बनी हुई थी, जाना कोई बुराई है क्या? आप ही बताएं, हाई कमान से मिलना, हाई कमान से निवेदन करना कोई बुराई है तो बताइए? हर कोई चाहता है कि उन हमारे नेताओं से मिले, इसमें बुराई कहाँ है? जोगी कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की बातें भी सामने आ रही, देखिए ये तो निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को है, हाईकमान से अगर कोई प्रस्ताव आएगा या विधायकों से कोई प्रस्ताव हमारे पास आएगा, हाईकमान के पास उस प्रस्ताव को भेजेंगे, गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।